सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, और आप सभी का स्वागत है फिर दोबारा से एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर के एक नए व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग है दोस्तों, बिल्कुल ही रॉ और सिंपल होने वाला है। और आज है तारीख क्या थी? आज 22 तारीख हो गई। 22? ओके, तो 22 तारीख हो चुकी है और अभी तक दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है। हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते यार। मन मचल रहा है कि भाई बाहर जाएं, घूमें फिरें, देखें चीज़ें, लेकिन भाई साहब इस कोरोना ने पूरे वर्ल्ड की ऐसी तैसी करके मतलब फेर रखी है। बोर बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा बोर हो गए घर में बैठे बैठे। ज़्यादा कुछ करने को होता नहीं है। दो तीन साल की हाँ जी, दो तीन महीने दो तीन साल की तरह हो गए हैं। और आज का जो व्लॉग है रॉ और बिल्कुल सिंपल रखने वाला हूँ, जैसा कि मैंने शायद अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। और पूरा का पूरा ये फैमिली व्लॉग होने वाला है। अगर आप ट्रैवलिंग व्लॉग के उससे देखने आए हैं तो ये ट्रैवलिंग व्लॉग बिल्कुल भी नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हैं इस व्लॉग को। बाकी आई एम श्योर कि आपको इस व्लॉग में मज़ा ज़रूर आएगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम डोरेमोन भैया के पास। वो सो रहे हैं अभी और बज चुके हैं सुबह के 10। हाँ भाई, उठना नहीं उठना। 10 बज गए भाई, 10 बज गए, 10 बज गए। उठ जा उठ जा उठ जा, जल्दी उठ जा, जल्दी उठ जा, चल उठ 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 जा उठ जा, चल गड़म मार नहीं गड़म मार नहीं। हाँ अब ठीक है ना, अब रोशनी आ गई। चलो जल्दी से उठ जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी। अरे ये क्या मलाइया ले रहा है। उठ जा, चल उठ जा फटाफट उठ। तो भाई किचन में बन रहा है नाश्ता, और नाश्ते में क्या बन रहा है? नाश्ते में बन रहे हैं काले चने। काले चने, ओके। नाश्ते में काले चने और आपके जैसे। नहीं हम अब काले नहीं है, और हम गोरे होते हैं। अगर वाइट होते तो मेरे जैसे, ब्लैक है तो आपके जैसे। नहीं नहीं, अब लॉकडाउन में बैठे बैठे हमने अपना जो कलर है ना वो गोरा कर लिया है। ये चाय और ये मेरे लिए ग्रीन कॉफी, मम्मी और आपके लिए चाय, अक्षत के लिए दूध। आज ना चनों में प्याज नहीं डाल रही हूँ, बिना प्याज के जैसे नोमी में बनाती हूँ ना वैसे बना रही हूँ। ये लो जी अपना नाश्ता भी आ गया फटाफट, अब नाश्ता करते हैं। हाँ चादर के नीचे छोले बनाए हैं, छोले। हाँ छोले हैं, छोले काले छोले। ये लो चने बोलते हैं इसको, चने जो भी है, छोले चने बाते की है। तीन तरीके की चाय है, ये नॉर्मल चाय है, ये ग्रीन कॉफी है, और ये क्या मिला हुआ इसमें? इसमें क्या था? बॉर्नविटा पता नहीं। हाँ तो इसमें बूस्ट मिला है, बूस्ट। इसमें बूस्ट है, ये ग्रीन कॉफी है, ये मेरी नॉर्मल चाय। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। हम तो हार्ड डार्लिंग नहीं है बचुआ। नहीं आप ही हो, आप ही हो। तो भाई अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ अपना ये नया आईफोन 12, कौन सा था, 12 प्रो था ना? हाँ 12 प्रो रिसेंटली में ही मैंने लिया था। और मैं सोच रहा हूँ कि आज का व्लॉग ज़्यादातर इसी में शूट किया जाए और आपको भी दिखाया जाए कि भाई कैसी जो फुटेज है आईफोन 12 प्रो से अगर व्लॉग करते हैं तो वो आती है। बाकी ये वाली जो फुटेज है ये मैं शूट कर रहा हूँ आईफोन 12 प्रो से, और जहाँ जहाँ पर भी आज शूट करूँगा आईफोन 12 प्रो से तो उस वाली क्लिप में मैं साइड में एक नोट डाल दूंगा कि भाई ये वाला शॉट iPhone 12 Pro से लिया हुआ है। टाइम की बर्बादी, टाइम की बर्बादी, और कुछ नहीं है ये, है ना? हम बहुत पुराना सीरियल देख रहे हैं, टॉम एंड जेरी। बाहर देखो कितनी तेज धूप निकल गई है। कल परसों इतना सही मौसम हो रहा था, बारिश वगैरह हो रही थी, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा था, लेकिन अभी इतनी तेज़ धूप है ना, अगर बाहर निकल जाओ बाइक राइड वगैरह के लिए या वैसे ही नॉर्मल ट्रैवलिंग के लिए तो भाई पूरी जो स्किन है वो जल जाएगी। यहाँ से जो नज़ारा है वो तो आपने देख ही लिया। एक छोटा सा रूम टूर आपको दे देता हूँ। ये हमारा कमरा है, एक इधर एक कमरा है, उधर एक बाथरूम है, उसके अंदर भी एक अटैच बाथरूम है, और यहाँ से अगर बाहर निकलते हैं रसोई के अंदर से भी एक गेट निकला हुआ है। ये देखिए, ये निकल गए हम बाहर, और ये रही हमारी गली, और यहाँ से सीधा जाएंगे तो एक पार्क आ जाता है जो कि न्यू बना है बिल्कुल ही। तो ऐसी कुछ सीन है हमारी गली का। ये देखिए पूरी गली की ऐसी तैसी हो रखी है। लंच भी तैयार हो चुका है, और दो चार दिन पहले ही मैंने एक चीज़ और मंगाई थी, उसकी भी अनबॉक्सिंग बाकी है, तो फटाफट मैं दिखाता हूँ कि वो चीज़ क्या है। जी हाँ, मैंने एक नया गैजेट मंगाया है मोटो व्लॉगिंग के लिए। जैसा कि आपने देखा ही होगा, अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं मुझे, अगर नहीं कर रहा है तो इंस्टाग्राम पर जाकर ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि वहीं पर जो लाइव अपडेट्स हैं, जो स्टोरीज़ वगैरह मैं पोस्ट कर रहा हूँ, और बहुत सारी जो रील्स वगैरह ना अमेजिंग वो मैं डाल रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिएगा। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, फटाफट जाकर इसे फॉलो कर लीजिए। तो अब करते हैं अनबॉक्सिंग मेरे नए गैजेट की।
ये आ गया अपना नया, क्या अभी बताते हैं आपको कि क्या मंगाया है हमने। बहुत ही पैसा खर्च हो गया भैया, बहुत ही पैसा। चलो खोलते हैं फटाफट इसको और आपको दिखाते हैं कि हमने क्या चीज अपग्रेड करी है। खोले ओके। कट्टे में पैक कर दिया, कोई गैस कर सकता है क्या आया होगा? फटाफट अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, जब तक मैं ये खोलता हूँ उससे पहले। सबसे पहले तो इसके अंदर निकला भाई ये चिन माउंट। ये विदाउट मतलब कि बिल्कुल चिपकाए हुए आपके स्ट्रैप हो जाता है चिन पर हेलमेट के, जिससे कि आप मोटो व्लॉगिंग इजीली कर सकते हैं। तो ये यांत्रले का है, बाकी ये जो पूरी पैकेज की कॉस्टिंग है वो भी मैं एंड में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ कि क्या क्या है, और इसके बाद हम खोलते हैं। ये है नहीं, इसको बाद में दिखाएंगे, थोड़ा सा एक मिनट, तो इसको मैं साइड रख देता हूँ। इसके अलावा जो मेन चीज़ है इसके अंदर वो है GoPro Hero 9। जी हाँ, GoPro Hero 9 है, जो कि हमने ऑर्डर किया था 5-6 दिन पहले, जो कि अभी पहुंचा है। एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया लॉकडाउन की वजह से, वरना ये जल्दी पहुंच जाता, बीच में कहीं पर अटक गया था। और इसके अलावा ये उनलाजी की एक ट्राईपोड माउंट है, छोटा सा पोल माउंट आप बोल सकते हैं इसको। एक एक्स्ट्रा बैटरी, मैंने स्पेयर बैटरी ऑर्डर करी थी हीरो 9 की ही। इसके अलावा ये देखिए भाई, पूरा जुगाड़ लेके चलना पड़ता है मोटो व्लॉगर्स को, तो एक ही बार में ऑर्डर कर दिया मैंने सारी चीज़ें। तो ये है डुअल बैटरी चार्जर, और इसके साथ एक बैटरी और भी है। और ये आ गए हमारे दो लेवेलियर माइक्रोफोन, जो कि हीरो 9 में यूज़ होंगे। देखिए अब आते हैं उनलांजी केस पर। तो उनलांजी का केस भी हमने मंगाया है, इसका मॉडल नंबर है G94, और इसके अंदर इजीली ये लग जाएगा। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अभी जब मैं खोल के दिखाऊंगा तो सारी चीज़ें आपको बता ही दूंगा। तो यहाँ पर इसका माइक अडाप्टर भी लग जाता है। माइक अडाप्टर मेरे पास ऑलरेडी दो हैं, तो वो मैंने मंगाए नहीं है। और मीडिया मोड भी आता है इसका, लेकिन अपने पास माइक अडाप्टर थे तो मैंने मीडिया मोड को ऑर्डर नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये कुछ चीज़ एक मेरे ख्याल से ये GoPro Hero 9 ग्लास। ओके, तो ये मेरे ख्याल से टेम्पर ग्लास है GoPro Hero 9 का, जो कि साथ में मुझे मिला है। तो ये सारी चीज़ें का जो प्राइस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मुझे करीबन 54,000-55,000 रुपये की आइटम ये पड़ गई हैं, 54 या 55 ऐसी कुछ था। पहले मैंने 45,500 रुपये दिए थे, फिर मैंने एक ये चीज़ जो कि मैं बात कर रहा था, मीडिया नहीं लेंस मोड, मैक्स लेंस मोड, जो कि स्टेबिलिटी ज़्यादा कर देता है और सुपर व्यू कर देता है, तो ये भी मैंने मंगाया है। ये 8,500 रुपये के आसपास है, लेकिन इसका यूज़ होगा विदाउट उनलांजी के केस के। पूरा का पूरा बाजार खोल लिया इसने यहाँ पर। और भाई साहब, ये कपड़े हैं सर्दी के और गर्मी के दोनों, और एक ही अलमारी के अंदर ठूस रखे थे। अब मैंने इसको बोला कि भाई सर्दी के अलग करो और गर्मी के अलग करो, और सर्दी के अब तो यूज़ होने नहीं है, गर्मी आने वाली है, गर्मी आ ही चुकी है, बल्कि जून अगले महीने आ जाएगा, और सर्दी के जो कपड़े हैं वो चले जाएंगे बेड के अंदर। अब एक्चुअली सारे कपड़े पहले रख दिए थे, आप राइड पे कुछ कपड़े लेके जाते हो ना, हाँ, तो थोड़े थोड़े करके बाहर आ गए हैं फिर से वापस। ओके, तो ये सब है अपना डेली रूटीन जो कि मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। ये डीजी के कच्चे हैं, ये डीजी की टी-शर्ट है, और ये है जींस। भाई साहब एपिक, मतलब पौरी हो रही है पौरी आज। तो बहुत ट्रेंड में है। हाँ, ट्रेंड में है, ट्रेंड में है बेसिकली। और ये है अपना वर्क स्टेशन, जहाँ पर कि मैं वीडियोस वगैरह एडिट करता हूँ। अभी पूरा का पूरा फैला हुआ है, ये देखिए यहाँ पर मेरा जो व्लॉगिंग कैमरा है वो भी पड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर माइक है, फिर ट्राईपॉड वगैरह सब कुछ मैसअप हो रखा है। थोड़ी देर में इसको ठीक करूँगा। तो
भाई साहब आज का जो वीडियो है यहीं पर एंड करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा GoPro Hero 9 की जो क्वालिटी है, मतलब फुटेज कैसी आ रही है। बाकी अनबॉक्सिंग तो मैंने आपको इस वाले व्लॉग में दिखाई दी, और हमारे अश्वनी भाई भी आ गए हैं। भाई हम क्या करने जा रहे हैं अभी? करने जा रहे हैं GoPro Hero 9 को टेस्ट। बेसिकली ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, पेट्रोल भी भराना है और जो हमारी बाइकें हैं, मेन हमारा टारगेट है पेट्रोल भराना। हाँ। और कुछ नहीं है बस। हाँ, थोड़ा सा शूट भी करना है, बेसिकली जो क्वालिटी है वो पता तो चले। इतना रोड पे हमारा यूटर लग जाता है, बस शूट हो जाएगा, पेट्रोल भर जाएगा, घर आ जाएगा, पेट्रोल भर जाएगा। और उसके अलावा जो हमारी बाइक्स है, टाइगर है, फिर व्हाइट टाइगर है और स्कूटी है, सबकी बैटरी डाउन ना हो जाए, इस वजह से भी थोड़ा सा उसको चलाना पड़ेगा। तो चलिए सीधा मिलते हैं अब हम टाइगर पर। मैं टाइगर पर, ये भाई स्कूटी पर। और आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब, शेयर। वैसे तो फैमिली व्लॉग था, लेकिन भाई साहब अब बाहर ज्यादा कुछ जा नहीं सकते तो यही देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का व्लॉग एंड करते हैं, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद एंड सायोनारा। और क्वालिटी आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगी, मिल जाएगी GoPro Hero 9 की। बाय 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 बाय। Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Pongo a bailar reggaeton pa' mí, que muñeca. Me gusta salir y se osita.